मामा नहीं है कसाई है, और ये कंस का जुड़वा भाई है, कंस का जुड़वा भाई है, मामा नहीं है। और बिचारे नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को लोग मानने वाले हैं। वो भी तो संविधानिक लोग हैं, वो कौन सा गलत काम। आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह दलित समाजों पर पेशाब की जा रही है, आदिवासियों के लोगों को जमीनें बनवासी कहते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। कसाई खाने सबसे ज्यादा इस देश में, यूपी में, मध्य प्रदेश में बीफ का जो मांस एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों के लिए, बीजेपी शासन में ही हो रहा है सबसे ज्यादा। मजे की बात कहते हैं राम मंदिर बनवाया बीजेपी, हम राम को लेके आए हैं, क्या राम पहले नहीं थे? ये झूठ बोलते हैं, ये विकास बोल रहे हैं, बच्ची रो रही थी बाल। अगर एमपी के मन में अगर मोदी होते तो इतने सारे शिवराज घोटाले नहीं करते। भांजे भांजिया सब खुश है। बहनों के लिए उसने केवल 2 महीने पहले लॉलीपॉप दिया है भाइयों, कोई उसने 18 साल पहले लाता इस योजना को। अगर मामा काम करते तो 18 साल पहले लेके आते। मामा नहीं है कसाई है, और ये कंस का जुड़वा भाई है, कंस का जुड़वा भाई है, मामा नहीं है। आस्था का सम्मान रख रहे हैं तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, कोई आस्था। अगर सरकार बदलेगी तो कैसे फिर कसाई गाना ये वो? कसाई गाने सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों के, कसाई गाने सबसे ज्यादा इस देश में, यूपी में, मध्य प्रदेश में बीफ का जो मांस एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों के लिए, बीजेपी शासन में ही हो रहा है सबसे ज्यादा। सब्सिडी दे रही है सरकार, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, बिल्कुल। इसमें तो वृद्धों को जो मैं विकास बता रहा हूँ। देखिए, वृद्धों को कमलनाथ जी ने 600 रुपए वो की पेंशन, 300 से बढ़ा के 600, ठीक है। और पहले भी सरकार वृद्ध पहले भी जाते थे, उनको सब्सिडी के आधार पर भेजा जाता। ये अपनी पर्सनल मतलब आम जन के लिए ट्रेन नहीं है, वृद्धों की मतलब उसके गुमराह करने के लिए ये नौटंकी करते हैं। तो नौटंकी करना तो नौटंकी बाज है, वो तो पूरे पूरे मामा नौटंकी बाज है, बेरुपिया है, बेरुपिया है ये बीजेपी के लोग। तो अच्छा काम नहीं किया है, अच्छा काम नहीं किया। मैं विकास बता रहा हूँ, अभी मैं आया हूँ रोड पे, इस बच्ची देखो क्या साल की है, वो अभी सांसद के बंगले पर कई वर्षों से। जाइए एबी रोड की तरफ, कितना विकास हो गया। बहुत मजे की बात कहते हैं राम मंदिर बनवाया बीजेपी, हम राम को लेके आए हैं, क्या राम पहले नहीं थे? ये झूठ बोलते हैं, ये विकास बोल रहे हैं, ये बच्ची रो रही थी बाल, मांग रही क्यों विकास की बेटी है। अरे डर लग गया मोदी जी को, डर लग गया मणिपुर की घटना के बाद में, क्यों फिर आ गए? आप खुश नहीं है भव्य राम मंदिर से? नहीं, आप खुश नहीं है? इन्होंने तो नहीं बनवाया, हम खुश हैं, हम खुश हैं। हमारे ये संकल्प पत्र में किसके था बताइए आप? क्या किसके संकल्प में? कांग्रेस ने नींव रखी, उद्घाटन किया था, ताला किसने? बीजेपी के मैनिफेस्टो में था? नहीं नहीं, बीजेपी तो नकल करती है, नकल करती, नकल ची आदमी है जी। हम भिंड के लोग हैं, मुरैना के लोग हैं, ये स्वाभिमानी है, ये कुछ दाग लगा दिया है बिचने वाले। और बिचारे नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को लोग मानने वाले हैं। वो भी तो संविधानिक लोग हैं, वो कौन सा गलत काम? आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह दलित समाजों पर पेशाब की जा रही है, आदिवासियों के लोगों को जमीनें बनवासी कहते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। है बनों में ही रखेंगे क्या? क्या वो नौकरी नहीं कर सकेंगे आदिवासी लोग? जो बनवासी शब्द का इस्तेमाल किया उसका कितना असर पड़ा लोगों पर कि बनवासी कह देना? क्यों बहुत बड़ा है उनको? क्या बीजेपी की जय तो हुआ है, हार बहुत झूठ पर झूठ बोलेंगे। क्यों पेशाब करवा रहे हैं, क्यों घरों को जलवा रहे हैं, क्यों आज मुरैना की घटना देख लो, कभी कहीं देख लो, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ये भी तो कहते हैं किसी दलित भाई को अगर मारा तो समझ लो मुझे मारा। अरे झूठ बोलते हैं, शिवराज सिंह ने पैर कौन के धोए? कौन के धोए? जिसपे पैसा नहीं, झूठ है मीडिया। अरे आप लोग मीडिया वाले क्यों, मैं भी झूठ बुलवा रहे हो, उसमें देखो ना आप पेशाब किसी पर की, किसी के दूसरे के पैर छीरे, नाम किसी का काम किसी का ना। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो मना किसने किया? आपकी आस्था आपके साथ है, उनकी आस्था उनके नहीं। बस झूठ बोलते हैं किसानों के। आप जाइए अभी फसल हो जाएगी, आपको पता चल जाए कमलनाथ जी ने गौशाला। मोदी जी तो इतना सम्मान करते हैं, देखो पैर उन्होंने जो सफाई कर्मी थे उनके मोदी जी पैर धोते। यूपी के अंदर MSc, BSc, इंजीनियर एक सफाई कर्मचारी के लिए आए, कितने आवेदन के सीएम बनेंगे यहाँ करके मोदी जी।
पीएम बन के सीएम बनेंगे मोदी जी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? कहते तो हम मन मेरा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? अभी इन्होंने बात करते हैं आप लोग। नहीं, क्या पीएम बन के या सीएम बनेंगे प्रधानमंत्री जी? घोटाले नहीं होते, नहीं घोटाले। अगर मोहब्बत करते तो इतने घोटाले नहीं होते एमपी वालों के साथ। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाले, यानी क्या क्या घोटाले कर दिए एमपी वालों के साथ। अगर एमपी के मन में अगर मोदी होते तो इतने सारे शिवराज घोटाले नहीं करते। हाँ, अभी यहाँ पे एक मिनट, मोदी जी के बहुत शिकायतें हैं। क्या शिकायत है? आपको बता रहे ना कि वो उन्होंने क्या क्या किया है, तो उसमें गलत क्या है? गोधरा कांड कराया मोदी जी ने। मोदी जी जा जा कमलनाथ, पुलवामा कांड कराया उनने। जब हाथ दे तभी कांड करा देती है। अभी मोदी जी आए मुरैना में, भाई उम्मीदवार का किसी का नाम नहीं लिया। हमारे यहाँ अभी कमलनाथ जी आएंगे, दिनेश भाई के साथ में लेके ऐसे चलेंगे, क्योंकि ये हमारी कांग्रेस है। मोदी खुद चाह रहे हैं कि इनको हटाने के लिए खुद पोस्टर पे रहना चाहते हैं। हाँ, पीएम बनना चाहते हैं। तो मोदी जी क्या करके, कुछ नहीं करके गए, केवल अपनी योजना को नाम बखान करते गए। ये तो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनके मुख्यमंत्री ने कल पे तो आनी चाहिए ना। लोगों को फ्री में सिलेंडर बांट दी, फिर 1200 रुपए भरवा रहे हैं। क्या ये बात, फ्री में बांट दिया हमने? अरे हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारा कांग्रेस की विचारधारा के लोगों ने क्या नहीं किया ये बताओ? देश के लिए बलिदान दिया। हमारे गांधी जी चले गए, इंदिरा गांधी जी चले गई, राजीव गांधी जी चले गए। आप बताइए, लाइट नहीं, ये लाइट किसने बनाई? किसने बनाई ये बस स्टैंड? किसने बनाया बताओ आप? किसने बनाया ये नहरें? किसने बनाई बताओ? नहरें किसने बनाई? ये रोड, ये अस्पताल, जिस अस्पताल में जिस बीजेपी के नेता जो भर्ती होते हैं दिल्ली में जाकर के, बताइए ये किसने बनाया? क्या कह रहे आप? जो बीजेपी के लोग जो 70 सालों की बात करते हैं बर्बादी करने के, उसी ट्रेन में घूमते हैं जो कांग्रेस ने बनाई है, उसी हवाई जहाज में घूमते हैं जो कांग्रेस ने बनाई है, जिसी कॉलेज में पढ़ते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस और ये और वो आप भारत एक्सप्रेस की कल्पना देख ही लीजिए, कहाँ किस पटरी पर चल रही है वो पटरी, किसने डाली वो नींव रखने वालों को आप याद नहीं करोगे तो देश गर्त में जाएगा। मैं स्पष्टीकरण आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जिस आदमी ने नींव रखी है उसकी तो बढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो देश की और स्थिति गर्त हो जाएगी। आपने कर्ज कितना बढ़ा दिया मध्य प्रदेश पर, स्पष्टीकरण है। आप तो पत्रकार घूमते होंगे साथ की, आपको भी जानकारी होगी इस चीज की। तो मोदी जी कह रहे हैं भरोसा रखिए, देश कहाँ भरोसा रखा ना, इसीलिए दो बार बनाया उनको। अब तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार बन पाएंगे। अच्छा। बोला अभी मैंने एक मीडिया विजन में देखा, चाय को एक बार गर्म करके पी लो, दूसरी बार गर्म करके पीना नहीं, हमने दो बार पी ली, तीसरी बार चाय खराब ही हो जाती है। अच्छा। अभी ही मीडिया पे मैंने एक बुजुर्ग ने बोला था, तो चाय को ज़्यादा तीसरी बार गर्म हमको पीना नहीं है, इतनी कड़वी हो जाएगी, इतनी कड़वी हो जाएगी चाय। हाँ जी, और आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं उस पर शिक्षा पर टैक्स लगा दिया, यानी कि अपने देश के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। शिक्षा पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, रबड़ पे टैक्स, कहते हैं भारत कांग्रेस मुक्त। इस चीज पर तो विचार करने की बात है कि गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाए। शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य आप कहते हैं 5 लाख रुपए, आज उस योजना की मुझे तो उम्मीद नहीं है किसी को लाभ मिल रहा हो। आयुष्मान से कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब मुझे तो नहीं लगता, आप एक बार हॉस्पिटल में जाके देखिए उस कार्ड को, आजकल वैल्यू खत्म हो गई है इसमें, चाहे भ्रष्टाचारी हो उसमें भी। मुझे सुना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि इसकी उम्मीद नहीं। अब क्या मुद्दे चल रहे हैं फिर, किस पर जनता वोट करने जा रही है? एक तो मध्य प्रदेश में तो परिवर्तन की लहर है 18 सालों से, जो परिवर्तन सिर्फ इस वजह से कि बदलाव करना कि या कोई ऐसा मुद्दा है? भ्रष्टाचार भी है युवाओं के साथ, आपने लेटेस्ट देखा पटवारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ। घोटाला नहीं कहेंगे उसको, तो धोखेबाजी कहेंगे। और अपना व्यापम घोटाला कितना बड़ा, मतलब युवाओं के लिए इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश में। वो विकास की बात नहीं करते, ये केवल ये धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात केवल, आपकी आस्था सुरक्षित रखती है? नहीं, आस्था तो नहीं, आस्था तो हम तो सभी आस्था का सम्मान करते हैं। हमारा मुस्लिम भी भाई है, ईसाई भी भाई है, सिख भी भाई है, और हिंदू तो हमें तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। जो कहने जुमला, वो जुमला हो गया। अरे वो बोल दो, खुद बोलते हैं मैंने जुमला दिया, संसद में बैठ के बोला अमित शाह जी ने कि वो तो हमारा जुमला था। आपने तो सुना ही होगा, नहीं बोला था उन्होंने अमित शाह जी ने? पर वो
एक इंटरव्यू के दौरान कहा था उन्होंने। हाँ वही तो बात है, इंटरव्यू के दौरान कहा ना, आपने मुँह से ही तो बोला, जुमला है वो तो। पर वो सबका साथ लेकर नहीं चल रहे ये, आपको लग रहा है कोई ऐसी नीति है कि एक पक्ष को मिल रही है, एक समुदाय को मिल रही है, दूसरे से दूसरा समुदाय से वंचित है, कोई है ऐसा बताइए मुझे। पता है कौन सी योजना है जो उनकी, मैंने मेरे को यही नहीं पता जो ऐसी योजना लाए कर रहे हैं। हाँ यही नहीं लाए मुझे तो आज तक, जो रातल पे कोई योजना ही लाई नहीं भाई, तो बताइए आप। 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं उनमें सभी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं मिलता था पहले, नहीं मिलता था पहले तो हर वर्ग के लोगों को राशन मिलता था। अब तो कौन कौन से कार्ड बनानी है, नीला पीला हरा, कार्ड के आधार पर मिल रहा है, पहले हर आदमी को राशन मिलता था। राशन मिलना चाहिए तो सबको एक समान मिलना चाहिए, हमें तो मिलता ही नहीं है, हमें तो मिलता ही नहीं है राशन, सबको मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा बताइए, हम क्या इंसान नहीं मिलेगा, वही तो पूछना चाह रहे हैं।